ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है, इसके बाद आपने देखा था एसिड बेस क्लोरीन देखा था, राइट? एसिड बेस क्लोरीन में क्या हमने पहले क्या पढ़ा था, आरएनएस क्लोरीन। आरएनएस का क्या मानना था, आरएनएस का ये मानना था कि ऐसे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने के बाद एच प्लस देता है वो क्या होगा, एसिड। फिर उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था, बेसिसिटी पढ़ा था। बेसिसिटी मतलब हम एच प्लस को डोनेट करें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था। तो जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होने पर OH- जो क्या होगा, मेरा बेस होगा। इसका मतलब वाटर आरएनएस एसिड में होगा और आरएनएस कर सकता है, कर सकता है H plus
भी तो कर सकता है, अगर एच प्लस एक्सेप्ट करेगा तो अगेन क्या बन जाएगा ऐसा फॉर्म, इसका मतलब ये सब्सटेंस के लिए क्या हुआ एम्पी प्रोटिक हुआ, एच प्लस डोनेट भी कर रहा है एच प्लस एक्सेप्ट भी कर रहा है, नहीं बस समझ में नहीं है पक्का सबको समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल H2CO3 कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, दो, लेकिन ये दो स्टेप में टूटेगा, इसका मतलब पहला स्टेप क्या हुआ एक एच प्लस निकाल लो, अब यहाँ पे क्या बचेगा HCO3 समझ में आ सकते हो, अब HCO3 माइनस किस में टूटेगा H प्लस और CO3 आया समझ में, आया ना सबको समझ में आया कार्बनिक एसिड से कैसे बनता है ये H2O प्लस कार्बनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक देखो ना कोल्ड ड्रिंक तो ये कार्बनिक एसिड देखो गैस वगैरह हो जाती है अपना क्या करने दी कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं ठीक है ये चीज समझ में आया। अब HCO3 माइनस का तो H प्लस डोनेट भी कर रहा है और H प्लस एक्सेप्ट भी तो कर सकता है ना, ये माइनस है तो H प्लस इस वाला कर सकता है, फिर से क्या बन सकता है ये H2CO3, इसके बाद HCO3 माइनस आपके लिए क्या हो गया एम्प्टी प्रोटीन सब्सटेंस हो गया, मानते हो पक्की बात ठीक है। H3PO4 का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये बताओ ये एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है, तीन डोनेट कर सकता है, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम हाइड्रोजन डोनेट करेगा, सो पहला H+ निकला तो क्या बनेगा H2PO4 बराबर, अगेन H2PO4 माइनस फिर से एक H+ डोनेट करेगा तो क्या बनेगा H, एक हाइड्रोजन यहां कम कर दो और यहां माइनस चार्ज बढ़ा दो तो क्या होगा HPO4 माइनस हो जाएगा, अब HPO4 2 माइनस फिर से हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो क्या देगा PO4 3 माइनस। अब इसके पास टोटल एलिमेंट प्रोटिक सब्सटेंस कितने हैं, दो है, ये भी है और ये भी H+ डोनेट कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी H+ डोनेट कर सकता है, ये भी H+ समझ में आया आपकी बात, किसी को डाउट है इसमें आया ना आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं समझना ध्यान से ठीक है, H2PO4 H2PO4 माइनस H PO3 माइनस और H2PO2 माइनस, आप पता नहीं इनमें से कौन सा एम्प्टी प्रोटिक सब्सटेंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी प्रोटिक सब्सटेंस, कौन सा H2PO3 ये क्या होगा एम्प्टी प्रोटिक होगा हाँ, आप ही बताएं अच्छा इसका पैरेंट एसिड कौन सा होगा H3PO4 पहले से पैरेंट एसिड पहचान, ये किससे निकला होगा H3PO3 ना ऑक्सीजन को देखो ना और ये क्या होगा H3PO2 बराबर, आप याद करिए कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, एक डोनेट कर सकता है, ये कितने डोनेट कर सकता है दो, दो डोनेट कर चुके हैं तो दो ऑलरेडी माइनस चार्ज हो चुके हैं, एक डोनेट कर चुके हैं मतलब एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्या ये फर्दर हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, देखिए है एच प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, मेरे लिए एम्प्टी प्रोटीन वो सब्सटेंस है जो एच प्लस डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है क्या इसके लिए औकात है कि ये हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, एक था वो ऑलरेडी डोनेट कर दिया क्या अभी फर्दर डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या ये अभी भी डोनेट कर सकता है क्या, क्या ये अभी भी डोनेट कर सकता है क्या, सोचिए नहीं
ओनली ऑक्सीजन है बराबर, दो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता मैक्सिमम, ऑलरेडी 2 माइनस तभी तो आएगा जब ये दो हाइड्रोजन ऑलरेडी डोनेट कर दिए हैं। ये समझ में आया कैसे आया? ये समझ में आया पार्ट सबको समझ में आया? ऑलरेडी दो क्या फर्दर अभी भी कर सकता है ये, लेकिन ये तो कर सकता है अभी भी क्योंकि इसने कितना किया, एक ही किया, दो और कर सकता है। इसलिए दिस इज दिस इज नॉट एज एम्पिरिकल। समझ में आया सबको? आया ना? पक्की बात। ये H3PO4 का था, आप देख लो H3PO3 का भी देख लो क्यों नहीं हो सकता है। H3PO3 कितने डोनेट कर सकता है? दो कर सकता है। तो पहला H+ जब डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? H2PO3 माइनस H2PO3 माइनस अगेन जब डोनेट करेगा तो क्या देगा? H+ HPO3 माइनस। क्या फर्दर डोनेट होगा? क्या ये फर्दर आगे रिएक्शन होगा? क्योंकि जो एसिडिक हाइड्रोजन थे उसने ऑलरेडी डोनेट कर दिए, क्योंकि आपको याद होगा इसका जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो इस तरीके से था, OH OH और H। यही हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच करता है। ये हाइड्रोजन कभी भी डोनेट नहीं होता। भाई बात है, दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बट दिस हाइड्रोजन इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। भाई बात समझ में, इसका एसिडिक कैरेक्टर का जो जिम्मेदार होता है वो ये हाइड्रोजन होता है, लेकिन जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो जिम्मेदार होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कितने टाइप का ल्यूइस एसिड होता है?
क्या था? शायद सब मूवीज ऐसे क्या क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? समझ में आएगा सबको। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल आप देख सकते हो BCl, ठीक है, AlCl3, ठीक है, FeCl, ठीक है, ये क्या एग्जांपल है मेरे? ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बड़ा ये पार्ट बताता है वैलेंस बॉन्ड है। पी के पास आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन। क्लोरीन के पास कितना होता है? एक। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसने भी अपना ऑक्टेट क्या बोरोन का हुआ क्या ऑक्टेट? नहीं, ऑक्टेट मतलब आठ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग करके भी इसके पास दो दो और दो कितने हो गए? चाहिए कितने हैं? और दो चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब हमेशा दो ही होते हैं ना, बराबर ना? इसको तो क्या कर सकते हैं? दो और एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके अंदर, एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? इसको हाइपोवैलेंट हाइपोवैलेंट रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब इसका 8 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो। जिसका से ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर। मतलब तो ये हाइपर क्यों हो जाता है? हाइपर मतलब ज्यादा गुस्सा, हाइपर ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब समझ में आया?
ऑस्वाल्ड ने जो अपना लॉ निकाला था इसमें एक बात उसने क्लियर की थी, ठीक है, वो क्लियर वो बात ये किस तरीके से है, कि जनरली आपको पता था कल मैंने जो आपको लिखाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा हमेशा क्या रहता है, अनोन, अल्फा क्या रहता है, देखो ब्रैकेट में लिखा था मैंने अल्फा हमेशा, पलट के देखो अल्फा हमेशा क्या रहता है, अनोन
ठीक है। अब क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक तो कुछ तो अल्फा होगा ना, तो ऑस्वाल्ड ने अपना एक डाइल्यूशन लॉ निकाला, ठीक है। उसका क्या मानना था कि पहले तो उसका ये मानना था इट इज यूज्ड टू ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज यूज्ड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकंड बात, अगर मान लो ए बी कोई आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किसमें डिसोसिएट होगा, ए प्लस और बी माइनस एक्स में। मान लो इस बात को इनिशियली मैं क्या मानूंगा, t इक्वल टू 0 c 0 0 हो गए, p इक्वल टू t इक्विलिब्रियम में क्या हो गया c माइनस c अल्फा होगा, यहां पे क्या होगा c अल्फा और यहां पे भी क्या होगा c अल्फा। तो इसके इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो k इक्विलिब्रियम पे इसका क्या कर सकता हूं, a प्लस b माइनस अपॉन a b, ठीक है। अब समझो क्योंकि ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है, तो ये के इक्विलिब्रियम अब के इक्विलिब्रियम नहीं होता है, यहां पर इसको के आई डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करता है के आई, है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बट इसके पर्टिकुलर नाम होते हैं, समझ में आया, ये कौन समझ में है, ये के इक्विलिब्रियम ही बट इसका मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया, जैसे कंसंट्रेशन क्या था तो हमने केसी लिखा था, प्रेशर के था तो हमने क्या लिखा केपी, था तो के इक्विलिब्रियम ही ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो था बट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वैसे ही इस के इक्विलिब्रियम का मानना है नाम ये के है जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं या आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्या आयनाइज हो रहा है ना, आयनाइज या और डिसोसिएट हो रहा है इसलिए इसको के आई या के आई बोला जाता है, आई बात समझ सकते हो आप, समझो इस के आई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस फॉर सी अल्फा इनटू सी अल्फा बाय सी माइनस सी अल्फा, तो इसका मतलब सी इनटू सी अल्फा स्क्वायर बाय सी वन माइनस अल्फा, अब सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को मैंने सी सी और अल्फा स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत रुचि नहीं, समझना आपको, समझना पक्का, तो क्या ये सी और ये सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो के आई का फॉर्मूला क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे एनिंग में जो ये फॉर्मूला के आई बराबर क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और यदि मैंने माना कि अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, if alpha is very very less than 1 तो क्या है 1 minus alpha को 1 लिख सकता हूं, मान लो इस बात को, तो क्या मैं ki को c alpha square लिखूंगा, सिर्फ क्या बस ki को क्या लिखूंगा alpha बराबर क्या हो जाएगा under root ki by c, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं कुछ आपको पूछना है इसमें, आई थिंक आप कुछ एक्स मैंने सोचा कि आप कुछ एक्स मैं अगर इस तक नहीं था इसमें से कुछ मेरे से पूछो बट नहीं ऐसे से ना पूछा कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट फुल लग रहा है आपको इसमें, तो ऑल माइंस आर फाइव इक्वल टू वन, तो आपको अगर ऐसा समझिए तो इसमें नहीं था अल्फा भगवान जब मेरे अच्छे जॉब लग जाएंगे 2 लाख पर मंथ की, तो आप
राइट और कुछ पार्ट कनेक्ट करते हैं ठीक है माने ध्यान से बात समझना थोड़ा ध्यान से कुछ पार्ट में मेरे सेल लेकर क्या करूंगा डोनेट कर माने ध्यान से कितना पार्ट आप डोनेट कर सकते लाइक कितनी कैपेसिटी है तुम्हारा कितना बड़ा दे 10,000 लाइक 20,000 क्या 50,000 डोनेट करोगे क्या हर महीने प्रैक्टिकली सोचना जस्ट गिव मी आंसर प्रैक्टिकली क्या 2,00,000 की सैलरी में क्या 50,000 तुम महीने डोनेट कर सकते हो इट्स अ बिग अमाउंट इट्स अ बिग अमाउंट हाँ 2,00,000 में 20,000 एक बार पहले मान सकते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ होगा बट वी कैन हैंडल 10,000 तो इजिली कर दूंगा 10,000 तो इजिली कर दोगे 10,000 से ऊपर जैसे रेंज बढ़ेगा थोड़ा तकलीफ होता जाएगा 50,000 में तो एकदम कति ये अमाउंट तो निगलिजिबल ही नहीं मानते इस बात को वैसे ही ठीक वैसे ही अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू 5% है तो ही आप 1 माइनस अल्फा या अल्फा वेरी वेरी लेस देन कंसीडर कर सकते हो 5% से जहां ज्यादा होगा तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले के क्योंकि तब अल्फा नेगलेक्ट नहीं होगा 1 से अब अल्फा को भी नेगलेक्ट करने का भी एक क्षमता है ना अब 20% थोड़ी ना नेगलेक्ट कर दो 20% बड़ा अमाउंट होता है 20% बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि अल्फा 100% हो गया तो वो तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया अल्फा क्या हो गया अल्फा समझो ना अल्फा वन होने का मतलब क्या होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मानते इस बात को अल्फा वन होने का मतलब क्या होगा तब यहाँ पे अल्फा वन पुट करो तो 1-1 क्या होगा something by zero क्या होता है मतलब it's a large value तो 2% यहाँ से समझ में आता है ये कि strong electrolyte के लिए कभी भी KI की value नहीं लिखते हैं तो कभी question में आप भूल भी जाओ कि भैया ये strong acid है या weak acid है या strong electrolyte या weak electrolyte हमेशा weak electrolyte का ये value question में दिया जाता है ये question में आपको हमेशा given रहेगा जिस substance का ये value given रहेगा पकड़ लेना वो weak electrolyte स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफाइन ही नहीं होता वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होती है सबको समझ में क्या समझ में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम डिसोसिएशन कौन सा डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं दूसरी बात 1 माइनस में 1 से अल्फा तभी नेगलेक्ट कर सकते हो जब अल्फा क्या हो बहुत छोटा क्यों क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कंसंट्रेशन भी आपको पता रहेगा एट लीस्ट आप इसको एक बार डिवाइड करके आपको ये समझ में आ जाएगा ये तो समझ में आ जाएगा कि अल्फा 5% से ज्यादा है या कम है अगर 5% से वैल्यू ज्यादा निकल गई तो यूज मिस कर होता है नॉन नेगलेक्ट है सही बात समझ गए अब अल्फा यहां से क्योंकि फिर ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गया पक्का अच्छे से आ सकते हो ठीक है तो कोई डाउट यहां तक तो मैं यहां लिख देता हूं AI इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट होस न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम It is defined only for the electrolyte, ठीक है? Weak electrolyte. समझ में आ रहा सबको? ठीक है? किसी को डाउट नहीं यहाँ तक? बोलो यार. पक्का? अब बात करते हैं next factors affecting alpha. अब थोड़ा केआई के बारे में पढ़ लिया लगे हाथ अल्फा के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते ठीक है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा पहला जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट ठीक है नेचर ऑफ सॉल्यूट से भी आप बता सकते हो कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा ठीक है जैसे अगर सॉल्यूट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी वेरी वेरी लेस देन 1 और अगर
है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1 आया ना इसका मतलब के के आई की वैल्यू गिवन है इसका मतलब किसके लिए डिफाइंड होगा के आई की वैल्यू गिवन है किसके लिए डिफाइंड होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए और नहीं है तो आया समझ में आसान है पक्का ठीक है सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा अच्छा केमिस्ट्री में सॉल्वेंट हम तभी किसी चीज को ले सकते हैं जब उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट तभी बोलेंगे जब उसमें कम से कम दो प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी एक तो पोलर नेचर होना चाहिए नेचर होना चाहिए पोलर और दूसरी उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए क्या होनी चाहिए हाई पहला कंडीशन क्या है पोलर नेचर होना चाहिए दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बाकी मन में डाउट आ रहा है सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना फिजिक्स पढ़े थोड़ा बहुत फिजिक्स में आता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक है अभी नहीं आपको माइंड को पसंद है इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड की बेसिकली आप आम भाषा में समझ लो जनरल भाषा में अगर आप डेफिनेशन में नहीं जाओ तो हर सॉल्वेंट का काम होता है सॉल्यूट को तोड़ना क्या करना आपने कभी गौर देखा होगा आप उबलते हुए पानी में नमक डाल दो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है ये उबलते हुए पानी में चीनी डालो तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता भाई बस क्योंकि चीनी की डायरेक्टर की कांस्टेंट की वैल्यू वाटर से थोड़ी ज्यादा होती है तो यू हैव टू पुट एनर्जी थोड़ी एनर्जी पुट कर ओवर मतलब क्या है कि जो मतलब डायरेक्टर कांस्टेंट उसकी क्षमता बताता है तोड़ने की उसके मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल को तोड़ने की क्षमता बताता है कि वो किस तरीके से तोड़ सकता है ओवरऑल आप आ सके समझ डेफिनेशन पर मिल गया भाई बस समझ जनरल मीनिंग समझ में आया मीनिंग समझ में आया ना पक्का बेटा बड़ा आता ठीक है लीजिए नाउ सॉल्वेंट सॉल्वेंट शुड बी एंड
we are in Tarunim. So this is part of the Sunday. What? Thank you.
ठीक है, सॉल्वेंट हुआ। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो आपको अल्फा का मीनिंग समझ में आ रहा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि सॉल्यूट से कैसे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट से कैसे डिपेंड करता है, तो ये तो हमने देखा उनके नेचर की वजह से। अब आगे कंसंट्रेशन की वजह से कैसे होता है समझो। पहले बात अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, क्योंकि आपके पास सब्सटेंस तो दो ही है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो याद रखना एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, चाहे 0.001 लो या 100 लो या 1000 लो। आई बात समझ में, हर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा क्या रहता है, मतलब 100% डिसोसिएट होता है। आई बात समझ में, सबको समझ में आया पॉइंट, कोई डाउट किसी को? आया ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
आप उसको एक बड़े से जग में डाल दो, क्या अभी भी पानी का टेस्ट, नींबू पानी का टेस्ट आएगा? आएगा, अभी भी आएगा, लेकिन उतने बड़े पार्टी में डाल दोगे तो क्या अब नींबू पानी का टेस्ट आएगा? अब नहीं आएगा। क्या नींबू पानी नहीं है क्या उसके अंदर? है ना, नींबू पानी तो अभी भी है, बस उसका टेस्ट जीरो हो गया। उसका टेस्ट क्या हो चुका है? उसे मैजिक करो, कितने से ग्लास को आपने इतने बड़े जग में डाला, फिर इतने बड़े पार्टी में डाल दिया, नींबू पानी अभी भी उसी के अंदर है बट टेस्ट जीरो। उसी केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को जनरली हम 10 एमएल उसको 2 लीटर 3 लीटर पानी में डाल दोगे ना, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, पानी का काम होता है तोड़ने का, हर चीज को क्या करता हूं, तो अभी पहले एक 10 एमएल तोड़ रहा था, फिर 20 एमएल तोड़ेगा, फिर 1 लीटर तोड़ेगा और फिर 2 लीटर, ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी तो 100% रिसोर्सेस खो जाएगा। आप ऐसा समझो, तुमको एक आदमी मारे और दूसरे को 100 आदमी मारे, मरने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी? 100 में तो 100% ही वो मरना तय है उसका। मान लो इस बात को, वैसे ही पानी का होता है, जितना ज्यादा पानी डालोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना ही घूमते जाएगा, मतलब इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। बस सर ये क्या है, अब बोलो सर 10 एमएल का 50 एमएल डाल दिया था, आपने तो बोला नहीं हुआ, अब तो 10 एमएल का कंपेरिजन 50 से बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, अब 10 एमएल का 1000 एमएल से करोगे तो डिफरेंस है, दैट इज मेक अ बिग डिफरेंस, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती। दैट्स ये क्या होता है, लार्ज नंबर कंपैरिजन देखो ना, 10 में और 1000 में ऑब्वियस बात है बहुत बड़ा यूज गैप आ गया ना, तो ऑब्वियस बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, बोल सकता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने के लिए। कम से कम दो चीज होना चाहिए ना आपके पास,
अरे कंपैरिजन भी करना तो दो लोग होने चाहिए, अपने आप को कंपैरिजन कभी नहीं किया जाता, राइट? नहीं समझ में। तो कम से कम क्या होना चाहिए, मिनिमम टू इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट का रूल क्या होता है कि मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, टू इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, और उसमें भी वन आयन क्या होना चाहिए, अभी तो कॉमन एलिमेंट अप्लाई अप्लाई होगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? देखो दोनों अलग अलग है, दो इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन दोनों अलग अलग है, एक एसिड और दूसरा क्या है सॉल्ट, एक एसिड और दूसरा सॉल्ट, तो कॉमन एंड क्या है इसमें एसिटेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं CH3CW- को एसिटेट आयन बोलते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है एसिटेट आयन, समझ में आया बात सबको, किसी को डाउट है आपके पास? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो CH3COOH plus HCl, दोनों क्या है, दोनों क्या है एसिड, दोनों क्या है एसिड, कॉमन एंड क्या है H plus, H नहीं बोलूंगा H plus नहीं बोलूंगा, क्या है H plus कॉमन है दोनों में, क्या मैं बोल सकता हूँ एसिड या तो उसका सॉल्ट रहे या तो एसिड एसिड रहे, वो भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कॉमन आयन हो सकता है। दूसरा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं NH4OH और प्लस NH4Cl, क्या है बेस और सॉल्ट, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है NH4 प्लस, और सी बात देख लो ऐसे का जो एनायन कॉमन होता है बेस को एटायन कॉमन, क्या समझ में आपकी बात? अगर किस केस में एसिड और सॉल्ट या बेस और सॉल्ट है, अगर आप बात करो NH4OH और NaOH दोनों बेस है कॉमन क्या है, तो बेस बेस रहेगा तो कॉमन क्या रहता है एटायन, एसिड एसिड रहता है तो क्या कॉमन रहता है एटायन, H+ रहता है ना कॉमन एसिड एसिड में, समझ में समझ में? तो मतलब क्या होना चाहिए, या बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट, या तो बेस बेस होना चाहिए, आया समझ में आपकी बात? अब इसको कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले कॉलेज लाइफ की स्टोरी सुनो, ठीक है? सोशल वर्क बहुत अच्छा करते हैं, मदद बहुत अच्छा करते हैं,
क्योंकि जब भी दोनों ये दोनों उस किसी गरीब को देखते थे ये दोनों उसकी हेल्प करते हैं। अब दोनों का बिजनेस बड़ा हो गया, फिर इससे ज्यादा बड़ा बिजनेस थोड़ा कम बड़ा हुआ, लेकिन एक शहर में दोनों का नाम लाइक एक सिटी में दोनों अच्छे खासे सोसाइटी में जाने जाने पहचाने। एक मंदिर बना शहर में, क्या बना? बड़ा सा मंदिर। मंदिर के आगे आपको हमेशा क्या मिलते हैं? भिखारी। कौन? क्या मिलेंगे? भिखारी। ठीक है, तो जब दिखाया जा रहा था न्यूज वगैरह में तो सबसे पहले सुबह से मैं बहुत कम गरीबी है, लॉकडाउन में चलाएगा बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो ये क्या डोनेशन डोनेट करने के लिए मदद करने के लिए। ठीक है, ये लेके गया 10 लाख, कितने लेके गया? 10 लाख, 10 भिखारी थे, मतलब सब लाइन में खड़े होता सबको कितने मिलेंगे? ईच 1 लाख मिलेंगे। ये बात जैसे न्यूज में चली तो इसको सुनाई दी है, अच्छा 10 लाख कलेक्ट करें ले मैं एक और कलेक्ट। ये गया वहां पे, ये जैसे उसका पॉइंट जैसे 10 लाख आदमी को 10 लाख रुपए दे रहा था, ये पहुंचा तो ये इसका पर्सनल असिस्टेंट अनाउंस करता है कि जिसको जिसको एक ये 10 है तो 1 करोड़ में सबको कितने मिलेंगे? 10 लाख। अब ये टोटल 10 लाख दे देंगे और ये सिर्फ एक जन को 10 लाख दे देंगे, मतलब जिसको 10 लाख रुपए चाहिए वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन शर्त ये है इसके 1 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो अब ऐसा है भिखारी कहाँ जाएगा? 10 लाख में पायलट कितने मिले सबको? 1 लाख उसको दे दिया वापस, नीचे दिखा दिया उसने। व्हाट इज द ओवरऑल स्टोरी? ओवरऑल ऑफ द स्टोरी इज दैट जिसके पास पैसा ज्यादा उसकी पावर भी ज्यादा और सब चीज ज्यादा। आप समझो बस, ए भी मान लो कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है इसमें डिसोसिएट होगा क्योंकि यहां पे ग्रीन साइन आ गया, नहीं ए प्लस और ए सी मेरा बी के लेफ्ट हुआ है, ये क्या होगा? कॉमन क्या है? दोनों ए प्लस। कॉमन क्या है? ए प्लस कॉमन है। ओवरऑल सॉल्यूशन में ए प्लस कौन देगा? कनेक्ट करो स्टोरी से। भिखारी के पास पैसा कौन किसका गया लास्ट में? जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट कर जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है देगा ये भी, देगा ये भी, लेकिन इसका ए प्लस नेगलेक्ट हो जाता है, इसका ए प्लस मेंटेन करता है। आई बात समझ में? दिस इज द कॉमन एंड इफेक्ट, अभी भी खत्म नहीं हुआ सुनो, दिस इज द कॉमन एंड इफेक्ट। ओवरऑल मतलब ये है, देखो अब यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, ये देखो ये पहले से कम था, ये बहुत ज्यादा नहीं था, ये बहुत ज्यादा था, ओवर ए प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? बन चुका है, क्योंकि ए प्लस तो इसकी वजह से समझना चाहिए। और मुझे पता है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, ये ऑलरेडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। ऑब्वियस इसका केआई का वैल्यू अपना होगा, कुछ होगा समझना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए था? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कंसंट्रेशन है क्योंकि इसके वजह से ए प्लस इससे जुड़ गया। मान लो ये 1 ग्राम था, ये 10 ग्राम हो गया, ये 10 ग्राम था, ये 1 ग्राम था, अब ओवरऑल कितना हो गया? 10 ग्राम, 1 ग्राम लेकिन मैंने अभी ये बोला स्ट्रॉन्ग के द्वारा ही। अब आपके ए प्लस क्या है? 10 ग्राम। कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो समझो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन केआई का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन मुझे पता है क्योंकि केआई की वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेंपरेचर। केआई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? टेंपरेचर। तो जस्ट टू मेंटेन इट्स वैल्यू सी माइनस अपना वैल्यू क्या कर देगा? कम कर देगा। सी माइनस क्या कर देगा? अपना वैल्यू कम कर देगा। कैसे कम करेगा? बाय डिक्रीज, क्योंकि c माइनस आप कैसे लिखोगे? c अल्फा के फॉर्म में लिखोगे, c माइनस c अल्फा तो ये c अल्फा तो एक नेगेटिव हो गया, इसका तो इसके द्वारा कंसंट्रेशन दिया जा रहा है इसका, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, तो क्या चेंज करेगा? दिस इज द कॉमन एंड इफेक्ट, कॉमन आयन की वजह से दूसरे का आयन दूसरे आयन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाए? कम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन।
फील आया फील Thank you.
That is about submit. तेरा कज़न भी